ट्राई के नए नियम 1 फरवरी से लागू हो जाएंगे। ऐसे में ट्राई प्रमुख आरएस शर्मा ने कहा है कि नई प्रसारण व्यवस्था में जाने की 1 फरवरी की समय सीमा को कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने डीटीएच ऑपरेटरों से कहा है यदि ग्राहक चाहते हैं तो पहले से लंबी अवधि का फौजू प्रीपेड अवधि तैयार रखे। इसका मतलब है कि यदि कोई ग्राहक 1 साल की अवधि का प्लान ले रहा है तो इस प्लान के समाप्त होने के बाद उसे नए नियमों के तहत अपना पैक चुनना होगा। शर्मा ने कहा कि ग्राहकों की सुविधा के देखते हुए इस नियम में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई ग्राहक अपने मौजूदा लंबी अवधि के पैक के बीच में ही बंद करने की नई व्यवस्था के तहत चैनल को चुनता है तो उसे उसकी अनुमानता दी जाएगी। चैनल चुनने के बाद शेष राशि को उसके अनुसार ऑपरेटर द्वारा ग्राहकों के वॉलेट में समायोजित किया जाएगा। टीवी देखना लेकिन महंगा। हालांकि ट्राई का कहना है कि 1 फरवरी से टीवी देखना सस्ता हो जाएगा, लेकिन बाजार एक्सपर्ट का मानना है कि इससे टीवी देखना और महंगा हो जाएगा। ट्राई का दावा इसलिए सच्चा नहीं है क्योंकि इसमें पेड चैनलों का जिक्र नहीं है। हर ब्रॉडकास्टर ने अपने चैनलों का अलग से बुकेट तैयार किया है, उनमें पेड और एडी चैनल भी शामिल है। स्टार प्लस, सोनी, जी, कलर्स आदि चैनलों की कैटेगरी में आते हैं। अगर आप एचडी के साथ एचडी चैनल देखना चाहते हैं तो उसका पैसा आपको अलग से देना पड़ेगा। PM News 24 की रिपोर्ट।